ये हमें मंजूर नहीं है कि फेडरल मेंबर इरशाद सिंध से ना हो। 99 से कभी नहीं हुआ, 2019 में आके ये एहसास महरूमी जो सिंध के लोगों को होगी वो इस वजह से होगी। आप मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने कहा था, मैं ये कहने स्ट्रॉन्गली कंडेम इसको हटा दें, मैंने इसीलिए कहा था इसको चेंज कर लें, अग्री कर दें, ये अगर दिखा दें, अगर ये नहीं करेंगे तो देन वी विल पास अ रेजोल्यूशन स्ट्रॉन्गली, वी वुड सबमिट अ रेजोल्यूशन स्ट्रॉन्गली कंडेमिंग इट। बट दिस इज समथिंग कि ये अब इंतहा कर दिए, और उस दिन कर दिए जब एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर कह के जाते हैं। और बड़ी आज खबरें हैं कि जी मुझे सिंध का बड़ा दुख है, और असल में सिंध हुकूमत सारा काम गड़बड़ करती है, मुझे तो बड़ा दुख है सिंध का। और आप मेम्बरान से जो मुझे पता चला है, मुद्दता कौमी मूवमेंट के लोगों ने भी कहा है और बाकियों ने भी कहा है कि जी हमें कहा है कि जी मैं तो ख्याल करूंगा अगले दिन जाके ये नाइंसाफी की है सिंध के साथ। ये मैं गोश गुजार करना चाह रहा था मेम्बरान को, इट वॉज मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, मैं माफी चाहता हूँ। मैं खुद क्वेश्चन आवर से पहले कोई चीज़ नहीं उठाता हूँ, लेकिन ये इतनी जरूरी चीज़ थी और मैं कह रहा था कि टाइमली बताई जाए सबको, मैंने आपके गोश गुजार किए। और मैं ज़रूर कहूँगा, मैंने कल भी बात की थी आप लोगों के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मेम्बरान जिनका सिंध से ताल्लुक है वो फेडरल कैबिनेट में बैठते हैं, उनसे पूछिएगा ज़रूर कि इस नाइंसाफ़ी पर खामोश क्यों रहे, इस नाइंसाफ़ी जिस दिन होनी थी सिंध के साथ उस दिन कैबिनेट से एबसेंट क्यों रहे। ये जरा उनको भी इसका जवाब देना होगा, सिंध के लोगों को उनको ये जवाब देना होगा। ये मैं सिर्फ गोश गुजार करना चाह रहा था। मैं कहूँगा मेरे ख्याल कवर करना चाह रहे हैं रेजोल्यूशन, एक कॉपी दे देते हैं, अगर साथ देना चाहते तो ठीक है, नहीं तो जी हम अकेले ये सिंध के हकूक के लिए लड़ते रहेंगे और इंशाल्लाह अपना हक लेके रहेंगे। अगर आप साथ हैं तो आपके मेंबरों को भी साथ होना चाहिए था, आज कैबिनेट में बैठना चाहिए था फेडरल जीडीए के मेंबर को, उनको भाग नहीं जाना चाहिए था फेडरल कैबिनेट से।